हाय बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में आज बताने वाले हैं आप लोगों को सेकंड पार्ट बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th 2022-23 जो प्रीवियस ईयर में आ गया था उसी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले पार्ट में पहला 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस पार्ट में भी अगला 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, 10 तक तो पहले ही वीडियो में हो गया था। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो 7 से कम नंबर होगा। एक डाई को जब थ्रो करेंगे तो क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना नंबर आ सकता है। यहां हमें बोला गया है कि 7 से कम, तो ये सब नंबर आ सकता है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6, कितना हो गया 1। तो जो इसका आंसर होगा 1। एक डाई को थ्रो करेंगे तो डाई को थ्रो करने के बाद 7 से जो कम नंबर आएंगे उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 1। अब उसके अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नंबर 12, द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर, ये हाइट क्या हुआ है 100 मीटर, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 100√3 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस इज क्या होना चाहिए। ध्यान दे, द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस, यहां से इतना दूर 100√3 दिया हुआ है और ये वर्टिकल पोल है, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का है ये बताता है। तो ध्यान दीजिए, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा, तो 100 कैंसिल आउट, 1/√3 ये होता है tan थर्टी डिग्री का वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा होगा वो कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहां पे देख रहे हैं ऑप्शंस की 30 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर, एक कोन जिसका रेडियस दिया हुआ है आर और हाइट क्या दिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो 1/3 πr² होता है, ये होगा 1/3 πr² और ये h का वैल्यू क्या है 3r, तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया।
क्या बच्चा पाई आर क्यू। तो क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है जहां पे पाई आर क्यू है? जी हाँ, पाई आर क्यू ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया। देखिए आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो देखते हैं, ये एक सर्कल है, टू पैरेलल टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जो डायमीटर है वही डिस्टेंस होगा, और ये डायमीटर कितना दिया होगा? 7 सेंटीमीटर। तो दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो देखना है कि यहां पे 7 सेंटीमीटर कौन सा आंसर है। तो ये है 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए। नंबर 15, बताना है कि ये जो दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर है, उसका नेम दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी एंड बी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कौन सा सिमिलरिटीज में यूज किया गया है ये आपको बताना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये साइड ए बी और ये साइड पी क्यू, इसका रेशियो 2.2/4.4 मीन्स 1/2। सिमिलरली बी सी बाई क्यू आर 3.5/7 is equal to 1/2 and angle B is equal to Q is equal to 50 degree। तो क्या है, दो साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है एंड इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल है। तो इसमें जो रेशियो हम लोग जो सिमिलरिटी का जो सिमिलर ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी है वो यूज होगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड पी एंगल और पी साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आपको बताया था कि हिंदी आता है, हिंदी से भी आप समझ सकते हैं। 16 नंबर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि जब दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो उसका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या जो है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो दो एंगल है, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया। सपोज कर लीजिए कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा, एक एंगल को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा। केस वन क्या हुआ कि हम दोनों को ऐड कर दिए तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। ऐसा क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल से जो दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री तो आना ही चाहिए। केस टू, द लार्जर ऑफ द टू एंगल्स, लार्जर कौन है? एक्स है, इज इक्वल टू स्मॉलर से कितना ज्यादा है? स्मॉलर से 18 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर टू, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, इसको हम ऐड कर लेते हैं, वन एंड टू को ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम वन एंड टू को ऐड करेंगे, ये y और y कट जाएगा, x प्लस एक्स टू एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 198। ये 298 मीन्स x का जो वैल्यू है वो 99 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो लार्जर एंगल है उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो जो लार्जर एंगल है उसका मेजरमेंट हो गया 99 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अब y का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि y तो बोला नहीं गया है, नंबर 17 देखिए, गिवन फिगर है ट्रायंगल एबीसी का पेरिमीटर निकालना है। तो ट्रायंगल एबीसी का पेरिमीटर निकालना है इसका मतलब कि हर एक साइड को हम ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कि फिर क्या भी होगा। देखिए ये ए आर एंड ए क्यू ये टेंजेंट है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि टेंजेंट का जो लेंथ होता है जब एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो उसका इक्वल होगा। दिस मीन्स क्या होगा कि यदि ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, करेक्ट। अब देखिए, अब ये बताइए कि ये सीपी 4 सेंटीमीटर है तो ये सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल सही बात, 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये बी आर टेंजेंट है, बीपी भी टेंजेंट है तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग पेरिमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप बताइए, ऐड करेंगे ना। बिल्कुल सही, तो हम इसको ऐड करने वाले हैं 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24 एंड 6 30। तो देखेंगे कि 30 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर BC एंड BD आर टेंजेंट, ये BC और ये BD दोनों टेंजेंट है। ओ सेंटर, OB 15 सेंटीमीटर। तो लोग जानते हैं क्या यहां पे जो एंगल होगा रेडियस एंड टेंजेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ये 9 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, दैट मींस ये जो है वो हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है इसका मतलब है कि यदि हम इस बीसी को निकालेंगे, ध्यान दीजिए, तो ओबी का स्क्वायर करना होगा माइनस ओसी का स्क्वायर करना। OB कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया माइनस 9 का स्क्वायर हो गया, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। फाइव माइनस वन फोर, 12 माइनस 8 4 1, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये BC है 12, तो ये BD भी होगा 12। ऐसा क्यों, टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होगा। तो ये 12 और ये 12 मिलकर इतना होगा 24। क्यों, क्योंकि BC एंड BD का सम पूछा गया था ना, BC एंड BD का सम हो गया 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब क्वेश्चन क्या है,
एफएफएल रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एफएफएल रीजन देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या इसके कंडीशन दिया हुआ है क्या इसके बारे में है कि ए फोर तो एफएफएल हो गया और आर फोर रीजन हो गया, कि यदि बोथ एफएफएल एंड रीजन आर टू मतलब दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है, ध्यान दीजिए इसमें गड़बड़ क्या हो सकता है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर आपको कंक्लूजन निकालना है। एफएफएल एंड रीजन आर टू ठीक है, एंड यदि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एफएफएल तो उस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। एफएफएल एंड रीजन दोनों सही है और यदि एफएफएल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन दिया हुआ है आंसर ए होगा। दोनों सही है और रीजन जो है वो एफएफएल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये रीजन जो है वो प्रॉपर नहीं है एफएफएल का, तो इसका आंसर होगा बी। यदि एफएफएल सही है और रीजन भी फॉल्स है गलत है मतलब स्टेटमेंट गलत है तो इसका आंसर होगा सी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एफएफएल यदि सही है सॉरी गलत है और रीजन यदि सही है तो इसका आंसर होगा डी। तो ये पहले से ही बता दिया गया है, अब हम लोग एफएफएल और रीजन को पढ़ेंगे और ध्यान समझेंगे कि क्या है एक्चुअल में इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा ए बी सी डी में से कोई एक आंसर होगा। अब समझते हैं एफएफएल अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, हम क्या जानते हैं कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है और ये यदि रेडियस है तो यहां पे परपेंडिकुलर होता है ठीक। रीजन क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। देखिए ये दोनों का लेंथ बराबर होता है ठीक, ये भी सही है ये भी सही है, तो क्या ये जो दिया हुआ है इसको ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? सेंटेंस दोनों ही सही है कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, तो क्या ये जो है वो इसको एक्सप्लेन कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर देखिए दोनों तो सही है, दोनों तो सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब आर जो है वो इस ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। मीन्स 90 का जो आंसर है वो बी होगा ठीक। अब अगले क्वेश्चन करते हैं, ट्वेंटी नंबर ये सब हिंदी में दिया हुआ है। 20 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इनकंसिस्टेंट है ठीक है, और नीचे भी कंडीशन दिया हुआ है कि दो इक्वेशन रहेगा तो देखिए इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन हो सकता है या फिर मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, और जो इनकंसिस्टेंट है इसमें कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो यहां से ए वन का वैल्यू 3, ए टू का वैल्यू 15, हाइट 25 माइनस 4 बाय माइनस 25। अब देखते हैं कि कौन किसके बराबर है, सही है या फिर नहीं है। तो 1 बाय 5
1 by 5 ये बराबर नहीं है। तो हम लोग हम लोग जानते हैं क्या कि a1 by a2 and b1 by b2 दोनों बराबर हैं but not equal to c1 by c2। तो इसका जो कॉन्सेप्ट इसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन होता है क्योंकि दोनों पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। अब बात ये है कि जो ऊपर वाले का जो इनकंसिस्टेंट हो रहा है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऊपर वाला जो एसर्शन है उसका प्रॉपर रीजन यही है कि ये जो इनकंसिस्टेंट है उसके पीछे का फॉर्मूला ये है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगले वीडियो में हम लोग इसी सेट को आगे बढ़ाएंगे और उसमें सेक्शन बी एंड सी को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और स्पीड भी आप इसके हिसाब से अब बढ़ा।